मैं दिनेश शर्मा, फैशन स्टडीज में आप लोगों का स्वागत है। मैंने पहले वीडियो में आपको कच्चा करना बताया था। ये देखिए, मैंने कच्चा करके ये तैयार कर रखा है। अब मैं आपको तुरपाई सिखाऊंगी। तुरपाई जो है वो एक स्थायी टांका है और वस्त्रों को सुंदर बनाने के लिए फाइन कपड़ों पर इसका प्रयोग किया जाता है। अब देखो शुरुआत कैसे करेंगे, ये देखो जरा। कई बार यहाँ से शुरू कर देते हैं, यहाँ से शुरू नहीं करना। इसका ये कोना यहाँ से लेना है और इस बात का भी ध्यान रखना है कि जब भी आप कोई भी काम करें, चाहे वो मशीन का काम करें, चाहे आप हाथ से काम करें, ज़्यादा कपड़ा बाहर की तरफ रखना है और थोड़ा कपड़ा अपने अपनी तरफ रख करके आप लोगों को शुरू करना है। तुरपाई जो है ये किस प्रकार से हम लोग बनाएंगे, ये भी जब सिलाई सीखते हैं, जो शुरू करते हैं सिलाई सीखना, तो मेन कार्य होता है कि आप लोगों को तुरपाई भी आनी ज़रूरी है। इसलिए मेरी ये कोशिश है कि मैं आप लोगों को बेसिक से शुरू से सिखाऊं और आप लोग अच्छे से सीख पाए और समझ पाए। अब ये कैसे करना है, देखो मैं इस कोने तक आ गई हूँ। इस कोने पर आने के बाद दो तार नीचे से उठाने हैं और दो ही तार आप लोगों ने ऊपर से उठाने। देखो जरा बिल्कुल किनारे से दो तार नीचे से लेने हैं और दो ही तार आपको ऊपर से लेने हैं। ये देखो दो तार नीचे से और दो तार ऊपर से, बिल्कुल दो तार नीचे से दो तार ऊपर से। मैंने अलग रंग का धागा लिया है आप लोगों को दिखाने के लिए। सेम कलर का धागा इस्तेमाल करना है। ये देखिए बिल्कुल ये जो हमारा मोड़ा हुआ ये कपड़ा है, ये देखिए इसी के साथ से आपको तार उठाना है और इस तरह से तिरछा निकालना है। ऐसे बिल्कुल इसके साथ से, ये ना हो कि आप ये यहाँ से उठा रहे हो यहाँ से उठा रहे हो तो सफाई से तुरपाई नहीं होगी, कपड़े में झोल आ जाएगा। इसलिए जो है बिल्कुल इसके साथ से, देखो जैसे मेरी सुई आप देख रहे होगे, इस प्रकार से आपको तार उठाना है और इस प्रकार से आगे बढ़ाना। ये देखिए इसको आप धागे को, टांके को चाहे आप बेशक बड़ा कर सकते हो, लेकिन बनाने का जो तरीका है वो बिल्कुल ऐसे ही लेना है। बिल्कुल इसके साथ से दो तार उठाओगे और आगे बढ़ाओ इस प्रकार से। देखिए ये मेरी एक अपनी कोशिश है कि मैं आप लोगों तक अच्छे से आपको सिखा पाऊँ। और ये इस प्रकार से आप देखो इस तुरपाई जो है इस तरह से बिल्कुल दो तार नीचे वही तार आप इस तरह से ये लोगे। इस प्रकार आप जो है चारों तरफ से तुरपाई ये बिल्कुल ऐसे, देखो दो तार ऐसे और दो तार ऐसे इस तरह, फिर दो तार ऐसे उठाओगे, फिर दो तार ऊपर से उठाओगे। ऐसे तिरछा निकालना है, दो तार इसके नीचे से लोगे और दो ही तार इस तरह से सुई को तिरछा निकालेंगे। और कपड़ा जो है ज़्यादा कपड़ा बाहर की तरफ रखना है, कम कपड़ा अपनी साइड रखना है। सुई में धागा जो है ज़्यादा लंबा धागा कभी भी नहीं डालना चाहिए, एक तो गांठ लगने का डर रहता है और साइड में बैठा हुआ, जैसे कोई व्यक्ति है अपने साइड में बैठा है तो उसकी आंख में या कहीं लगने का भी डर रहता है। इसलिए धागा जो है मीडियम, ज़्यादा लंबा नहीं लेना चाहिए। ये देखिए इस प्रकार से मैंने ये तुरपाई देखो आपको दिखाई दे रही होगी। फिर ये देखो जैसे हमारा ये कोना आ गया, इसको भी हम यहाँ तक लेंगे, इसके यहाँ तक लेंगे। इससे क्या होगा कि वस्त्र, जब भी हम किसी भी वस्त्र पर तुरपाई करेंगे तो जो है कपड़े में मजबूती आएगी। इस प्रकार से, इस प्रकार से लेने के बाद ये देखिए इस प्रकार मैंने ये कोना बना दिया है।
इसको वापस ऐसे घुमाओगे और यहां तक वापस ही तुरपाई करते हुए जाओगे। इससे आपका कॉर्नर जो है वो मजबूत हो जाएगा। इस प्रकार से आप तुरपाई करते हुए वापस आ जाओगे। इस प्रकार से वापिस आते हुए और ये देखिए, ये आपका कोना इस तरह से आप वापिस आओगे तो मजबूत हो जाएगा और कपड़ा ज्यादा दिन तक चलेगा, धागा उधड़ेगा नहीं। ये इस प्रकार से देखिए, दो तार नीचे से लोगे, दो तार ऊपर से लोगे, इस प्रकार आपकी तुरपाई ये देखिए चारों तरफ से तुरपाई हो गई है। अब इसको किस प्रकार से फिनिश करेंगे ये देखना, यहाँ पर इस प्रकार से लेकर के और ऐसे करके और इसके पीछे से गांठ लगा देंगे। देखिए सुई को इसके पीछे से लेंगे और इसकी एक गांठ लगा देंगे ताकि कपड़ा जो है उधड़ेगा नहीं और पक्का हो जाएगा। उसके बाद आप इसको इसी के अंदर थोड़ा सा धागा अंदर की तरफ ले जा करके इस तरह से, इधर से नहीं दिखाई देना चाहिए, इस प्रकार से देखो इधर से नहीं दिखाई देना चाहिए, इधर से ऐसे ले करके और इसको काट दो, धागे को काट देंगे। ये देखिए कितनी अच्छी तुरपाई मैंने आपको करनी सिखाई है, बिल्कुल ऐसे ही करनी है। ये इधर से इसलिए दिखाई दे रहा है टाँका कि मैंने दूसरे कलर का धागा लिया है, उल्टी तरफ से भी और ये सीधी तरफ से भी। जब आप सेम कलर का धागा लेकर के बनाएंगे तो ये बिल्कुल से दिखाई नहीं देगा टाँका जो है, और बहुत ही सुंदर आपका वस्त्र बनकर के तैयार होगा जो भी आप जिस पर भी आप तुरपाई करेंगे। धन्यवाद।